कि सती को शिव के संदेह हो गया है। कहते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं, गोपियों का प्रेम है जी। कितने भी दूर हो मोहन, पर दूरी का एहसास है। कितने भी दूर हो मोहन, पर दूरी का एहसास है। और कभी मुझे लगता ही नहीं कि मोहन हमारे पास है। तड़पती विरह में हूं जितनी, उतने ही तुम उदास हो। तड़पती विरह में हूं जितनी, उतने ही तुम। और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर जा बैठे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर जा बैठे हो, पर हमें लगता है कि हर पल हमारे पास हो। प्रेम इसको कहते हैं। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। दिल से नहीं निकलते।
से नाम पत्थर का जो तुमने हमको दिया, नाम पत्थर का जो तुमने हमको दिया, पत्थरों पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं। अरे मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया? मैं तो पतझड़ था, सब झड़ गया था, कुछ नहीं, उदासी ही थी, कुछ भी नहीं था। कि मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया? ऋतु बसंती को तन में लपेटे हुए, मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया? ऋतु बसंती को तन में लपेटे हुए, सुर्ख आंखों में सागर भरा प्रेम का, उम्र ढल जाएगा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे देखा तो तुम राधिका सी लगी, ऐसे देखा तो तुम राधिका सी लगी, बंद आंखों में मीरा सी हो साधिका। ऐसे देखा तो तुम राधिका सी लगी, बंद आंखों में मीरा सी हो साधिका। श्याम की वंशरी पे भरोसा रहो, श्याम की वंशरी पर भरोसा रखो, तुम कहीं भी रहो मन हटेगा नहीं। Thank you.
देते हैं कि सजा अकेले को क्यों देते हैं, सजा अकेले क्यों क्यों देते हैं, गुनहगार तो तुम भी हो, सजा अकेले को क्यों देते हैं, गुनहगार तो तुम भी हो। ध्यान में रखो क्योंकि मोहब्बत में शिकवा नहीं शुक्रिया होता है, शिकवा करते हो मोहब्बत में, मोहब्बत में तो शुक्रिया होता है कि खुश रहे वो जो हमें जानते हैं और उनसे ज्यादा खुश हो रहे जो हमें जानते नहीं। भाविश ने कहा कि दे देना दुख हमको खुशियां तुम्हें मुबारक, क्यों गम भांग तुमको, गम भांग तुमको, रोते न देख सकते मैं क्यों लू परीक्षा। कहने लगी कि कछु न परीक्षा लीहे गुसाई, कछु न परीक्षा से। शिव ने कहा परीक्षा ले लिया, बोले नाजी मैं क्यों परीक्षा लूं, आप तो मेरे पति हैं, जो आपने कह दिया वही सत्य है और मैं तो गई। फिर मेरे मन में आया कि पति ने जो बात कही वो सही होगी, तो मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया जैसे आपने। भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, लगाया ध्यान तो देख लिया, बार बार जानकी के स्वरूप में सीता के स्वरूप में राम के आगे जा रही थी। मित्रों याद रखना कि जब तक आपकी कमजोरी किसी के हाथ ना लगे तब तक कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रेम उससे करो जिससे तुम प्रेम करते हो, ये गलत है, ये प्रेम नहीं है। आप जिसे प्रेम करते हो वो प्रेम सच्चा नहीं है, जो आपको प्रेम करे उससे प्रेम करो। आप जिससे कर रहे हो सामने वाला आपसे नहीं प्रेम करे। अगर जीवन जीने के कुछ सूत्र हैं कि अगर आपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को ए टू जेड संसार परिवार धर्म कहीं भी किसी को भी अगर लग गया कि उसके बिना तुम अधूरे हैं तो तुम्हें पूरा होने ही नहीं देगा। गुरु के सानिध्य में रहते हुए शिष्य को भी लग गया कि अगर मैं नहीं हूं तो गुरु जी का कौन, और गुरु जी ने कह दिया कि बेटा तू ही सब कुछ है, तो शिष्य गुरु को कभी पूरा होने नहीं देगा, ऐसी जगह पूरा कर देगा कि दोबारा उसका दर्शन ना हो। और संसार में व्यवहार में आप ध्यान लीजिएगा, आप अपने बिजनेस व्यापार परिवार रिश्ते को देख लीजिएगा, आप शुरू में किसी के लिए सब कुछ करते चले जाओ
थोड़े समय बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और जिस दिन उसको समझ में आ गया मेरा साथ कि उसके बिना तुम अधूरे हैं, फिर वो तुम्हें पूरा होने ही नहीं देगा, वो बताएगा मैं ये हूं। अरे वो था क्या, मैंने ही तो बनाया उसे। तो यहां ये चीज आ गई है, भगवान से सती झूठ बोल रही है। ईश्वर से कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, और अगर गुरु समर्थ है तो उससे कोई बात छिपी हो ऐसा भी नहीं। गुरु का और शिष्य का संबंध जो है ना, ये शरीर से बहुत ऊपर है अगर माना जाए तो। ये शरीर से ऊपर का संबंध है गुरु का। शरीर का मतलब नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के मध्य की कड़ी का नाम है सदगुरु। आचार्य अब शिव ने कहा भी नहीं, कहने का क्या मतलब है, क्योंकि एक जगह हार जाता है आदमी, पता है कहा, जिससे बहुत प्यार करता है उसकी सौ गालियां सुननी पड़ती, लेकिन फिर भी पलट के नहीं बोलते। इसलिए हमारे बड़े ताऊ दादा लोग कहते थे कि भाई दुनिया में जीत के आवे पर घर में हार जावे, बच्चों के आगे सर झुकाना ही पड़े कि हाँ मेरी माँ तू बड़ी है। हमारा गुजरात में टेंशन ये ना, अगर भगवान झुकी जाए मारे हूँ करूँ मारे भी तो गुजरात में कह चलो तो कि आलोक ने आगे ना परमात्मा शिव झुकी जाए मारे हूँ करूँ मारे तो ऐसे करूँ पड़े ना, के माले संसार कहते जब भगवान को झुकना पड़ा इनके आगे तो हमें तो हमेशा झुकना ही है भाई। ये क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक, क्योंकि हम जिसपे समर्पण कर जाते हैं, जिसको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, हमारी भावना होती है कि हम उसे कभी अपशब्द ना कहें। लेकिन जब उसको ये लग जाता है कि मैं नहीं तो ये नहीं, तो बस कैसा हो जाता है तिवारी जी, कि टूट गई है माला मोती बिखर चले पल दुपल के साथ उजाले बिखर चले। टूट गई है माला मोती बिखर चले पल दुपल के क्या करूं इस बेराम जमाने, मोहब्बत की उम्मीद क्या करूं इस बेराम जमाने पे, जहां हर कदम पे मिलती ही बेवफाई है। कैसे मैं मान लूं ये मेरा जीवन भर साथ दे पाएंगे, यहां तो मिलने से पहले ही जुदाई है। वक्त को समझना, वक्त की नजाकत को जान के ही जीते रहना, क्योंकि आज का वक्त भी बड़ा हरजाई है। जिसने ना इस वक्त को जाना, वक्त से टकराया, अनुभव है ब्रह्मांड पुरी का, उसने हर बार इस दुनिया में चोट आई है। पति के जीवन में संसार, और यहां जब आपको ज्यादा चिंता आ जाए, क्रोध आ जाए, कोरोना, लेकिन ठाकुर क्या है, अरे ये कौन आंसू पोछेंगे आपके, कौन पोछेगा आंसू इस रस्ती में तेरे, यहां तो दामन सब तो कहीं से भी जीने लगते हैं।
भगवान शंकर के अंदर भी रहा है और सती के मन में प्रायश्चित, दोनों चाहते ये सुंदर युग कैसे बने जब मैं ये शरीर को नाश करके पुनः शिव को पा सकूं। अब आदमी लोग कसम खाते हैं कि मिलके न होंगे जुदा, है ना, कसम खा। आगे वाली लाइन भूल गया थे, लेकिन कितने दिन तक रहते हैं? 2-4 दिन सीजनल, बाद में सब अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई नहीं होता। भगवान शंकर बैठ करके भगवान का विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और सती बैठ के मन में प्रायश्चित करती है, वो भी ध्यान कर रही है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। दुख की घड़ी में भगवान का स्मरण करो, उस बिहारी का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हारी अश्रुधाराओं को देख सकता है और कोई नहीं, क्योंकि संत और परमात्मा मेरी एक कल्पना है कि ये दोनों नदी के दो किनारे हैं जो मिलते नहीं पर साथ जरूर चलते। एक संत की भावना कि तेरी मेरी एक मंजिल, जैसे गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी सारी नदियां तब तक नाम है तब तक अस्तित्व है जब तक तो सागर में मिल नहीं जाती, और अगर वो एक बार सागर में मिल जाए तो नदी नदी ही नहीं रह जाती, मैं में व्याप्त हो जाता है, ये जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है। ये भाव एक संत का, संत क्या कहता है आपके लिए ध्यान देंगे कि तेरी मेरी एक मंजिल, आजा मेरे साथ चल, मतलब किनारा, नदी के दोनों किनारे मिलते, कभी देखा कभी दोनों किनारों को मिलते? मिल गए तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप हैं तो ही हम हैं। संत की भावना क्या है देखें, तेरे आँखों के आँसू अपनी पलक पर ले लूंगा, आँखों के आँसू अपनी पलक पर ले लूंगा, तेरे इन आँखों के आँसू अपनी पलक पर ले लूंगा, अपनी पलक पर ले लूंगा। सुख में मत याद करना, लेकिन जब दुख आए तो याद जरूर करना। कर ले अपने गम में शामिल, कर ले अपने गम में शामिल, आ
एक नदी के हम दो साहिल, एक नदी के हम दो साहिल, आजा मेरे साथ चल, आजा मेरे साथ चल, मेरी मेरी एक मंजिल, सजा गैर को हम क्या दें, सजा गैर को हम क्या दें, जब अपने ही मेरे काटी है, किसे कहें, किसको दें इल्जाम हम, किसको दें इल्जाम हम कि मेरा घर उजाड़ा था, इंसान वही था, हाथ भी उसके ही थे, एक ने सिर पे हाथ रखा तो दूसरे ने हथियार उजाड़ा था, जानते अपने ही ज्यादा मुझे तेरी हिफाजत करनी है, जानते अपने ज्यादा मुझे तेरी हिफाजत करनी है, जानते अपने ही ज्यादा मुझे तेरी हिफाजत करनी है, तेरी हिफाजत करनी है, क्यों हर एक मोड़ पे बैठा है कातिल, हर एक मोड़ पे बैठा है कातिल, आजा मेरे साथ चल, और चिंता मत करो, किसी ने कहा है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए बंदे, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के ही राह पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जीवन की सारी मुश्किलें आसान कर रही है, एक बार समर्पित हो जाओ, जब तक आप सोचोगे ये मेरा वो मेरा वो मेरा, भगवान नहीं आएगा, द्रौपदी को जब तक अहंकार रहा, गर्व रहा, भाव रहा कि युधिष्ठिर धर्मराज के होते हुए अधर्म नहीं होगा, भीष्म पितामह गुरु द्रोण के होते हुए अनीति नहीं होगी, गदाधारी भीम के होते हुए मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, गांडीवधारी अर्जुन के होते हुए मुझे कोई देख नहीं सकता, तब तक भगवान नहीं है, और जैसे समर्पण कर दिया तो कह दिया कि बेचूंगा द्वारिका, क्या भाव है भारत में और कहीं नहीं मिलेगी, कह बेचूंगा मैं द्वारिका, चोरी करूं ब्रज में जाए, कपड़े की गठान में द्रौपदी बन जाऊंगा, अरे द्रौपदी तेरे पति ने धन के लिए तुझे चूहे में हार गए ना,
तुझे छुड़ाने के लिए मैं मेरी द्वारिका बेच डालूंगा, बेचूंगा द्वारिका, और अगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ तो चोरों का सबसे बड़ा लाइसेंस होल्डर मैं ही हूं। बिहारी जी ब्रज में पहले बहुत माखन चुराया और आज जरूरत पड़ी तो अपनी बहन के लिए एक बार फिर से चोर बन के गोपियों के दागिने चुरा लाऊंगा। इतने में भी नहीं पूरा हुआ द्रौपदी, दिगंबर हो जाऊंगा, निर्वस्त्र हो जाऊंगा, पीतांबर उड़ा के तेरी रानी में बचाऊंगा। मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगा लेकिन अपनी पीतांबर उड़ा करके तेरी राज जरूर बताऊंगा। ये भाई और बहन का प्रेम अगर आप में जग जाए तो फिर से मेरे लिए भगवान यही नजर आने लगेगा जी। और प्रमाण मिला है, जब दुशासन साड़ी खींच रहा था ना तो एक बार दुर्योधन ने कहा भाग भाग, दुर्योधन ने चिल्लाया भाग दुशासन भाग भाग भाग, क्यों? क्योंकि द्रौपदी के तीर के अंतिम छोर में भगवान की पीतांबरी और पीतांबरी के पीछे चक्र सुदर्शन अट्टहास करके गरजता हुआ आ रहा था। आपके घर में ये पीतांबरी अगर है तो भगवान के होने का प्रतीक है। भगवान के चरणों में जब समर्पण करोगे तभी आते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अरे कोई नहीं तुम्हारा। और जैसे द्रौपदी ने समर्पण किया तो सारी भी चिनारी है किनारी है किसारी है किसारी है किनारी है, लेकिन वही पहले वाला स्वरूप में अवतार ले लिया। कभी पागल हो गए, चारों दिशाओं में वस्त्र ही वस्त्र नजर आने लगा। कोई कहे साड़ी के बीच में नारी, साड़ी के बीच में नारी है, या नारी ही की साड़ी है, या पूरी सृष्टि और नारी साड़ी से ही बनी हुई है। सिर्फ सारी ही सारी नजर आने लगी। मेरे प्रभु की कृपा बरस जाए तो अगर ऐसी व्यवस्था वहां होगी तो आपके कष्ट जरूर होंगे खत्म। भाव करके देखो, बिहारी के बाद में वो दुखहारी है, बिहारी के आने के बाद दुख नहीं रहेगा, इसलिए मेरा कल्पना सबके ऊपर नीली छतरी सबका मालिक है, सबके ऊपर छतरी सबका मालिक है, सबके ऊपर नीली छतरी है सबका मालिक है, सबके कट जाएगी बाकी उम्र जाए, कट जाएगी बाकी उम्र भी आ जाए। संत हो, भक्त हो, संसार हो या परमात्मा, जाना सबको वही है। शिष्य के लिए गुरु की भावना होती है कि मेरा शिष्य बड़ा होकर के
ऐसा कोई कार्य करे कि गुरु की कीर्ति अमर हो जाए। संसारी चाहता है कि मेरा पुत्र कुछ ऐसा कृत करे कि पुत्र के कर्म से ही मेरा नाम अमर हो। दोनों का मार्ग एक ही है लेकिन तरीके अलग हैं। जैसे साधना दक्षिण मुखी और वाममुखी, उपासना निर्गुण और सगुण, गुण तमो रजो और सत्व। वो भी चाहता है, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे सुख दे। गुरु भी चाहता है ना कि अंत काल में कम से कम कोई बुढ़ापे में रोटी तो दे ही दे। लेकिन दोनों भाग से मिलते हैं। दशरथ को राम मिले, आत्मदेव को धुंधकारी गोकर्ण, लेकिन पुत्र सुख दोनों को। पुत्र है, पुत्र आपको सुख देगा, ये कटु सत्य नहीं कि अब तक जो जग में आए हैं ये सपना आपका माया है। और क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का बेटे ने वंश चलाया है। दशरथ जी से कहा है ना विश्वामित्र जी ने कि राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। और हो जाए कपूत कहीं यदि तो घर को शमशान बनाता है। बेटा आपका नाम अमर करेगा, अगर सपूत है तो कपूत है तो धुंधकारी जैसा घर को शमशान बना। कपूत कपूत तो का धन संचय, कपूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है तो गवा देगा, सपूत है तो 8 दिन के ऑफिस में छुट्टी होती फौजी, तो घर के लिए बड़ा सामान खरीदते हो है? घर में पत्नी के लिए साड़ियां खरीदेंगे, बच्चों के लिए खिलौना खरीदेंगे, ये संसार छोड़ करके एक दिन ऊपर जाना है, उसके लिए कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उधर का भी सोच लो। इसलिए वार्षिक टाइम थी उसी भजन और दान कुंड में लगा देना, नहीं तो हर हर महादेव है जी, आखिर तो वही है ना। भगवान शंकर का ध्यान खुलता है, भगवान राम का स्मरण करते हैं। सती ने वो सुंदर अवसर जाना, जाके शिव के चरणों को छुआ। सती को पति के पैर रोज छूना चाहिए। अब तो खैर पति के पैर ज्यादा छूने की बात नहीं है, गले तक बात जाती है। माता जी पति का लोग नाम नहीं लेते, ये भारत की मर्यादा है। भारत की मर्यादा है कि एक पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। परंपरागत जो व्यवस्था, नहीं लेना ही चाहिए। जानकी जी से राम जी जब अयोध्या पहुंच गए, हनुमान जी भी पहुंचते हैं, तो जानकी जी ने कहा आप स्वामी शब्द का इस्तेमाल क्यों करती हो बार बार। हनुमान जी ने जानकी से कहा कि मातेश्वरी आप बार बार स्वामी का नाम क्यों लेती हो। स्वामी यानी सर्वनाम, आचार्य जी स्वामी सर्वनाम, राम यानी संज्ञा। कहने आप अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हो, आप बार बार स्वामी कैसे कहती हो, नाम क्यों नहीं लेती हो। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, आप भी जी अपने घर जाना, शादी का एल्बम अपने बच्चे को दिखाओ, ये तेरी मासी, ये तेरी बुआ, ये तेरी नानी, ये तेरी दादी, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, जो भी रिश्ते दिखा लेना। थोड़ी देर बाद पकड़ेगा साड़ी और चिल्लाएगा मेरा फोटो कहाँ है इसमें। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, कोई पूछेगा इसमें मेरी फोटो क्यों नहीं है, बताइए। बालक है, बालक है। ऐसे हनुमान जी जिज्ञासु है, बात्सल्य भाव में जानकी मैया से पूछने लगे कि ये बता माँ, सारी दुनिया राघवेंद्र सरकार की जय बोलती, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, लेकिन तू स्वामी 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 कहती है, ऐसा क्यों। क्या अगर एक पत्नी बार बार अपने पति का नाम लेती है तो निसंकोच उसकी आयु कम हो जाती है।
उसके पति की आयु कम हो जाती। अब भी कई जगह एजी बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं एजी। खैर वो आप लोगों का अनुभव है, अच्छा यहाँ तो किताब नहीं जान रहे। जानकी मैया ने कहा कि अगर हम बार बार अपने पति का नाम लेते हैं तो हमारे पति की उम्र कम हो। और स्वामी का अर्थ ही होता है कि मेरे पूरे जीवन का स्वामित्व इसको सौंप दिया तो मेरा स्वामी ही है। और भागवत कथा में भी नागिनी ने दो बार स्वामी शब्द उपयोग किया है। जब भगवान ने नाग को नाथा ना, तो नागिन ने पहले बार उसे समझाया कि अरे बालक चला जा, नहीं मेरे स्वामी जाग गए। लेकिन जब भगवान ने नाच लिया, भगवान ने कहा बोल तुझे कोई चिंता है? कहे जब मेरी स्वामी की डोर जगत के स्वामी के हाथ में चली गई तो मुझे क्या सोचना, तो आप मेरे दयालु बन गए हैं। शब्द वही है, प्रयोग सही जगह पर हो तो आनंद बरस जाता है। इसलिए अपने पति का नाम भारत में तो नहीं लेना चाहिए। फिर माता जी श्रृंगार करने लगे, सिंदूर लगा रही। बोले मैया ये सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि इसे लगाने से मेरे स्वामी की, आपके परमात्मा की उम्र बढ़ जाती है। हनुमान जी ने कहा प्यार तो मैं ज्यादा करता हूँ स्वामी जी से, तो ज्यादा उम्र बढ़ानी चाहिए। अगर माँ ने यहाँ से इतने में लगाए उम्र बढ़ती है तो मैं पूरा हिलाल हो जाता हूँ। ये समर्पण भाव है। माँ के सिंदूर लगाने से पति की उम्र इतनी बढ़ती है तो मुझे पूरा अपने आप को मिटा क्यों ना देना पड़े। इसलिए हनुमान जी का वर्ण उसी दिन से लाल कर लिया, पूरा का पूरा लाल होने लगा। भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु अरे हनुमंत आज क्या बात है? बस गुरु जी अब तो मैं जा रहा हूँ गंगा जी नहाऊंगा, सुरसरी में जाके दान पुण्य करूंगा। बोले क्या दान पुण्य करेगा? बोले बस अपने आप को भी निछावर कर दूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने नापा इस शरीर को,